देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस, पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर, जामिया मस्जिद महबूब नगर में असदुल उलमा तनवीर सहाफत मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी कादरी नक्शबंदी मुजद्दिदी मौलवी कामिलुल हदीस जामिया निज़ामिया व जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड सरपरस्त आला बोर्ड हजरत अलहाज सैयद शाह अमीनुद्दीन कादरी हज़रत काजी सैयद शाह गौस मुहीद्दीन कादरी चश्ती सदर बोर्ड और मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी अलहाज मोहम्मद अब्दुल रफ़ी ज़की कादरी मोहतमद जामिया मस्जिद ने एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सरजमीन महबूब नगर में पहली मरतबा बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन व सूफ़ी बासफ़ा शहज़ादा जिगर गोशा हजूर पीरान पीर हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह अमीन अलकादरी क़िबला मदज़िल्लहु मालेगाँव महाराष्ट्र की 19 अगस्त बरोज़ पीर बाद नमाज ज़ुहर जामिया मस्जिद महबूब नगर में कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड के ज़ेर एहतमाम अज़ीम शान पैमाने पर जश्न आमद रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मरकज़ी जलसा इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब फरमाएंगे। इनके अलावा हज़रत सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज रहबर शरीयत पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी अलमारूफ़ भी काशिफ पाशा बंदा नवाजी हफीदाहुल्ला सज्जादा नशीन इचरानी शरीफ का भी बसीरत अफरोज आलिमाना आरिफाना खिताब होगा। नमाज ज़ुहर ठीक 2 बजे होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद अहमद सना सदर मजलिस इंतज़ामी जामिया मस्जिद मोहम्मद करीमुद्दीन नायब मोहतमद जामिया मस्जिद मोहम्मद तकी हुसैन तकी सदर मजलिस इंतज़ामी जदीद ईदगाह वक्फ रहमानिया मोहम्मद खलील कादरी मोहम्मद अब्दुल्ला सुन्नी मोहम्मद अब्दुल मुईज मोहम्मद मकीन अंसारी मोहतमद नशरो इशात व दीगर मौजूद थे। शमाई मोहम्मदी के परवानों से कसीर तदाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। नाजरीन किराम हाजरीन, ये बड़ी मसरत हो रही है हमें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता आलिम दीन सूफी बासफ़ा हज़रतुल अल्लामा मौलाना मुफ्ती सी शाह अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला मालेगाँव महाराष्ट्र जो 25 वर्षों से बैनुल अक़वामी सतह पर इंटरनेशनल खिताबात के ज़रिए से शमे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों को महसूस कर रहे हैं। 3 बरस कबल उनसे वक्त लेने की कोशिश की गई। साले गुज़िश्ता अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा ख्वाजगान फ़ख्र हिंदुस्तान हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन सिज़ी रज़ी अल्लाह तआला अलमारूफ़ी हुज़ूर ग़रीब नवाज़ चिश्ती रहमतुल्लाह के सालाना उर्स शरीफ में तकरीबन 2.5 घंटे मुलाकात रही और उन्होंने ये कहा था कि जिस वक्त भी महबूब नगर के क़ुर्ब जवार में अगर कोई प्रोग्राम बनता है तो हमें वो वक्त देंगे। कल जुमेरात सुबह यानी 2 रोज़ कबल फजर की अज़ान के वक्त में एक फ़ोन आया कि मैं प्लेन का जो 4:45 को औरंगाबाद से है वो कैंसिल करके आपके पास एक सूरत हाल निकाल के पहुंचना चाह रहा हूँ। तो हैदराबाद को इंशाल्लाह ताला 10 से 10:30 के दरमियान में आएंगे। 12:10 को इंशाल्लाह ताला महबूब नगर तशरीफ़ लाएंगे हज़रत अल्लामा मौलाना अमीनुल कादरी साहब कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर के ज़ेर एहतमाम जश्न आमद रहमतुलिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस व इस्लाह माशरा के उनवान पर बाद नमाज ज़ुहर 19 अगस्त बरोज़ पीर दोपहर में मुकर्रर किया गया है। इंशाअल्लाह ताला नमाज ज़ुहर 0.5 घंटा बढ़ा के 2 बजे रख ली जाएगी क्योंकि आने में कुछ ताखीर हो सकती है इधर उधर 0.5 घंटा ट्रैफिक की बिना पर। और उलमाए किराम मशाइख एदाम की 12:30 हमारे उर्दू जो सहाफ़ी हजरात हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुश्तरक एक नशिस्त रहेगी 0.5 घंटा उनके साथ और जोहराने का भी इंतजाम किया गया है। आपके अलावा औलाद अमजाद हुजूर ख्वाजा बंदा नवाज़ काबे दकन
हजरत सैयदना मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा बंदरवाज गेसु दराज अलैहि रहमत रिजवान के शहजादे जिगर गोशे हजरत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद शाह करीमुल्लाह हुसैनी साहब क़िबला अलमारूफ भी काशिफ पाशा साहब बंदरवाजी सज्जादा नशीन इचरानी शरीफ का बसीरत अफरोज मेहमान खसूसी की हैसियत से खिताब होगा जामे मस्जिद में 19 अगस्त बरोज़ पीर ठीक 2 बजे नमाज़ ज़ुहर का अहतमाम रहेगा और कुल हिंद सुन्नी उलमा मशायख बोर्ड के ज़ेर अहतमाम जिसकी सरपरस्ती पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अलहाज सैयद शाह अमीनुद्दीन क़ादरी साहब क़िबला हफ़िज़हुल्लाह सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत हाफिज़ सैयद वजीउद्दीन साहब क़िबला क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाएंगे और जिसकी निगरानी हज़रत क़ादरी सैयद शाह गौस मुहीउद्दीन साहब क़िबला क़ादरी सदर क़ादी व सदर कुल हिंद सुन्नी उलमा मशायख बोर्ड फरमाएंगे। मजलिस इंतज़ामी जामे मस्जिद के इश्तराक से ये मुक़द्दस जलसा मुकर्रर किया गया है। मुत्तहिदा ज़िला महबूब नगर से इंशाअल्लाह ताला शमे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़ारों की तादाद में तशरीफ़ लाएंगे और इस बाबरकत जलसे को समाप्त करते हुए इफादा इस्तेफादा फरमाएंगे। मैं शमे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों से जौक दर जौक इस जलसे में शिरकत की अदबन इल्तमास करता हूँ। फ़ख्त खादिमुल इल्म उलमा असदुल उलमा तनवीर साफ़त मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक्शबंदी मुजद्दीदी मौलवी कामिलुल हदीस जामिया निज़ामिया और जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशायख बोर्ड। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमानुर्रहीम। जश्न आमद रहमतुल आलमीन मरकज़ी जलसा इस्लाह माशरा बैनुल अक़वामी शहरत आफ्ता अमीरुल क़ादरी मालिकों का खिताब जामे मस्जिद बरोज़ पीर बाद नमाज़ ज़ोहर 2 बजे मुनक़द किया गया है। 19 अगस्त और मौलाना पहली दफ़ा महबूब नगर तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे असदुल उलमा जनाब मोहसिन पाशा क़ादरी साहब की कोशिशों की वजह से मौलाना तशरीफ़ ला रहे हैं। हमारी कमेटी की जानिब से हम उनका इजहार तशक्कुर करते हैं जो मोहसिन पाशा हर हमेशा उलमाए दीन की खिदमत में रहते हैं। और मैं मुसलमान महबूब नगर से और अतराफ जितने 5 ज़िले हैं उनसे अपील करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं जाए मस्जिद को और ऐसा जलसा पहली दफ़ा तारीखी हो रहा है तो आप तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि हमारी कमेटी के जानिब से जाए मस्जिद तशरीफ़ लाएं। खुदा हाफिज़।